सर लता जी की आज सुबह जी सुबह ही खबर आई, जैसा कि जी आज आपने। सुबह से ही हम लोगों को ये दुखद समाचार के प्रति प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ईश्वर का देखिए हम पर कितनी बड़ी अनुकंपा है कि लता जी के साथ पिछले ही वर्ष हम हिंदुस्तानी नाम का गाना हमने गाया है। श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं और ईश्वर की कृपा यह है कि लता जी का भी आशीर्वाद उस गाने में प्राप्त हुआ। पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने एक बहुत ही संगीतमय पहल की थी, जरूर क्योंकि उनका परिवार बड़ा परिवार है और वो लता जी का एक तरह से परिवार ही है। तो इस तरह के जब हमें संजोग मिला तो मैं बहुत ही गदगद था। ईश्वरीय संयोजन है कि देखिए कल सरस्वती पूजा थी, आज उनकी विदाई हो गई। और लता जी के लिए बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, आप एक ज्योति थी, ज्योतिर्मय करने के लिए इस भारत को आई। भारत में जब तक मनुष्य जाति जीवित रहेगी, प्रेम करना आपके गानों से सीखेंगे, भक्ति करना आपके गानों से सीखेंगे और सीखते आए हैं, सीखते आए हैंगे, और ये परिपाटी चलती रहेगी युगों युगों तक जब तक मानव जाति यहां पर है। इसलिए मैं भारत का अहोभाग्य मानता हूं कि भगवान ने लता जी को यहां जन्माया और उस युग में जन्माया जिस युग में हम भी हैं। हम भी हैं। कुल 16 साल के करियर में हमें कई बार उनसे भेंट करने को, उनके बात करने को, बात उनसे हुई। मैसेज करने को और उनका प्यार पाने को संयोग मिला। तो मैं अपने आप को भी परम भाग्यवान मानता हूं। इस तरह की आत्माएं, इस तरह की विभूतियां, इस तरह के व्यक्तित्व, महान दिव्यात्माएं आती बिल्कुल हैं किसी बहुत बड़े कारण के लिए और ये अवधूत होते हैं, अवतरण होते हैं। देखिए कल ही वसंत वसंत पंचमी पंचमी सरस्वती पूजा पूजा थी, थी। आज उनकी विदाई हुई है। एक और संयोग जुड़ा हुआ है, प्रदीप जी, ऐ मेरे वतन के लोगों, कविवर प्रदीप जी मध्य प्रदेश में जन्मे हुए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका जन्मदिन भी है। इत्तफाक की बात देखिए, संयोग देखिए आप कि आंख में भर लो पानी, पूरे विश्व की आंख में पानी आ गया है और पीड़ा से व्यथित है पूरा विश्व, पूरा देश, पूरे देश का आम और खास सब। क्यों? क्योंकि लता जी हमारे बीच अब नहीं रही, नहीं परंतु उनके कृत्य, उनके सत्य, उनकी कृतियां युगों युगों तक मनुष्य को मनुष्य होना सिखाएंगी। जब ईश्वरीय भक्ति का प्रचलन चाहिए, लता जी का गाने प्रेरित करेंगे। जब परम भक्ति, जब प्रेम, जब वात्सल्य, जब लोरी, जब प्रभु भक्ति, देशभक्ति, हे मेरे ईश्वर, हर प्रसंग पर प्रासंगिक होने वाली कुछ आवाजों में लता जी अग्रगण्य रहेंगी, वो मुखर रहेंगी। तो वो एक देवी का अवतार थी, परमात्मा में विलीन हुई हैं। हमारी प्रार्थना है कि उनको सद्गति मिले, उनकी दिव्यात्मा को, और समस्त पीड़ा जो झेल रहे हैं परिवार के लोग, देश के लोग, विश्व के लोग, जो उनको प्रेम करते थे, जो उनके प्रशंसा करने वाले थे, उनको थोड़ा ढाढ़स मिले, साहस मिले। हरिओम।